नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया है, एंडर आ रहे हैं आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के जून वाले एक्सटर्नल एग्जाम्स मतलब आप इवन के इवन सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जाम्स तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप लोग एक महीने के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं किसको पहले पढ़ना चाहिए किसको बाद में पढ़ना चाहिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के तो जूनियर्स आप लोग के फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स है वो तो आप लोग स्टार्ट होने वाले हैं आठ जून से ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज के आप लोगों छह या फिर आठ जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड अगर हम लोग बात करें बाकी सेमिस्टर्स की कि आप लोगों होता है सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर तो सेकंड और थर्ड ईयर के एग्जाम्स थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे अपना फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं बट आप लोग अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ना आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है कि एक्सटर्नल एग्जाम्स की तैयारी को काफी अच्छे से कैसे करना है क्योंकि आप लोगों ने जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था आपने जल्दीबाजी में बस एग्जाम्स दे दिए थे अब आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सी बहुत ही अच्छी मेटेन रहे सो आप लोग कैसे कर सकते हैं आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला वालों कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए अब आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक महीना ऑलमोस्ट बचा हुआ है इस एक महीने के अंदर मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक्स उठाइए अगर आप लोगों ने बुक्स ले रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है बुक्स आप लोग अपनी लाइब्रेरी से ले सकते हैं कॉलेज की अगर आप लोगों ने बुक्स ले ली तो वो बेस्ट है क्योंकि बुस से पढ़ना एकदम बढ़िया रहता है अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आप लोग मुझको डीएम कर सकते हैं मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे वीडियोज़ मिल जाएंगे और काफी सारा कंटेंट एजुकेशनल मिल जाएगा एंड इसके अलावा आप लोग मुझसे भी बातें कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल आप लोगों को जो भी डाउट्स आएंगे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मुझसे बातें कर सकते हैं फिर आता है आप लोगों का सेकंड स्टेप अब आप लोगों के पास बुक्स होंगे या फिर नोट्स होंगे तो अब आप लोगों को पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई के अंदर आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं कौन सा सब्जेक्ट बाद में उठाएं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि इस पूरे एक महीने के अंदर आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़े जैसे आप लोगों को क्लास एलेवन ट्वेल्थ के अंदर भी करते होंगे आप लोग अकाउंट्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ते होंगे मैथ्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ते होंगे सेम इस बार भी आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स मैथ्स से रिलेटेड है अकाउंट से रिलेटेड है उन सब्जेक्ट्स को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पूरे महीने में दीजिए क्योंकि आप लोगों के वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा टाइम आप लोग का लेके जाते हैं उनमें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है तो इन सब्जेक्ट्स को तो आप लोग डेली एक एक घंटा जरूर पढ़िए एंड अगर हम लोग बात करें थ्योरी सब्जेक्ट्स की तो थ्योरी सब्जेक्ट्स तो आप लोग वैसे भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास अगर नोट्स होंगे या फिर बुक्स होंगी आप लोग डेफिनेशन को याद कर करके पॉइंटर्स को याद कर करके आप लोग थ्योरी को फिर भी याद कर सकते हो बट अगर हम लोग बात करें आप लोगों का ये जो पूरा पूरा प्रैक्टिकल है अगर आप लोग अकाउंट्स को पहले नहीं करोगे अगर आप लोग मैथ्स को पहले नहीं करोगे तो आप लोगों को बाद में दिक्कत जरूर आएगी ही आएगी तो इन सब्जेक्ट्स को आप लोग इस पूरे महीने अच्छे से प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा इनकी आप रिटर्न प्रैक्टिस करिए एंड इसके अलावा अगर आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग लिख लिख के उनके पॉइंटर्स को याद करिए आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी में लिख के कैसे आएंगे लिखने के ऊपर मैंने पहले ही कुछ वीडियोस बना रखे कि कैसे एग्जाम को लिखना है और आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए भी होंगे तो उससे तो आप लोगों को आइडिया मिल ही चुका होगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा आप लोगों के एग्जाम से जस्ट पहले एक वीडियो बना के जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा समझाऊंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे एग्जाम्स करने होते हैं और कैसे, कैसे कैसे नहीं करने होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे बीबी और बीकॉम के बच्चे मेरे भरोसे भी बैठे हुए हैं कि भाई आप जब वीडियोस बनाओगे तब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे सो भाई देखो अपनी पढ़ाई का लोग शुरू कर सकते हो मेरे चैनल पर मैंने कुछ सीरीज डाल दी है जैसे कि बिजनेस एनवायरमेंट की बिजनेस कम्युनिकेशन की एंड इसके अलावा आप लोगों का बिजनेस लॉ हो गया और भी काफी सारी सीरीज वहां पे चैनल में डली हुई है आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड बाकी की सीरीज आप लोगों की आनी बाकी है अभी जैसे कि मैं इनकम टैक्स के ऊपर एक सीरीज लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स है जिन पर भी सीरीज लेके आने वाला वालों बिजनेस इनमेंट की हम लोग पूरी सीरीज को कंप्लीट भी करेंगे अभी बिजनेस कम्युनिकेशन की एक यूनिट रहती है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा बिजनेस लॉ के भी आप लोगों के थोड़े से पार्ट्स रहते हैं वो भी मैं डाल के आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा ऐसे कर करके हम लोग सारे ही सब्जेक्ट्स को मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के तो सारे ही सब्जेक्ट्स में डाल पाऊं जिससे आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो पाए सुनियस मैं तो अपनी साइड से वीडियोस डालूंगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को अपना पूरा सपोर्ट दिखाऊंगा बट आपको भी मेरे को अपना सपोर्ट देना पड़ेगा अगर मैं जब यहाँ से वीडियो डाल देता हूँ और आप लोग वीडियोस को नहीं देखते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि अगर आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे नहीं तो उसकी रीच डाउन हो जाएगी और यूट्यूब आप लोग को सजेस्ट करेगा ही नहीं सो so, इसकी वजह से मुझको भी काफी ज्यादा डीमोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी इतनी मेहनत करूँ इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहा हूँ और आप लोग वीडियोज़ को देख ही नहीं रहे हो आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो सो मैं आप लोगों को छोटा सा एक सपोर्ट मांगता हूँ कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ पढ़ाई करो एंड वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों को और उनको भी बोला कि चल भाई मिलकर करते हैं बाकी आप लोगों को जिस जिस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बिकले धन्यवाद